जय हिंद साथियों। जैसा कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे 4 जून को आना बाकी है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडी गठबंधन का एक प्रोपोगेंडाबाज, एक यूट्यूबर सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, जिसका नाम था ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने पूरे अपने वीडियोस में जितने भी मुद्दे थे, मुद्दों के ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया। उसने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम किया, प्रोपोगेंडा चलाना और सिर्फ एक व्यक्ति को खास केंद्रित करना अपने सारे वीडियो में, ये ध्रुव राठी ने किया, जो कि अपनी एक दोगलेबाजी को दर्शाता है। कल एलविश यादव, जो कि एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर है, उसने अपने ही सारे फैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें जो अभी तक ध्रुव राठी करते हुए आया है, उन सभी फैक्ट्स के ऊपर बातें करी, और रियल फैक्ट्स हैं, घुमा फिरा के या कहीं से जोड़ तोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी चीज़ थी फैक्ट के साथ में थी। किस तरीके से ध्रुव राठी एक ऐसी संस्था जो कि भारत में निषेध है, उनके लिए काम करता है, भारत विरोधी गैंग के जो सदस्य हैं, जो भारत के वो बदनाम करने का काम करते हैं, उनके साथ में काम करता है। यह दूसरों को कहता है, जो भाजपा समर्थित लोग रहते हैं उन्हें ये कहता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता है, लेकिन खुद इसके फैक्ट देखे तो ये खुद एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाता है, जिसमें जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो या तो एक विशेष वर्ग से आते हैं, या सबसे ज़्यादा अगर देखे गए इसके जो व्यूअर्स हैं वो सबसे ज़्यादा देखे गए हैं पाकिस्तान में। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान भारत विरोधी रहा है, वहाँ के लोग भारत को जितना बदनाम करना चाहे उतना बदनाम कर सकते हैं। अगर ध्रुव राठी के वीडियोस पे अगर 20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो उनमें 70% व्यूअर्स जो है वो पाकिस्तान के निकलेंगे, हिंदुस्तान के नहीं। पहले ये व्यक्ति जो है एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस बनाता था, लेकिन जब फैक्ट चेक किए गए तो 2015 से ये एक तरीके से दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसके आईटी सेल का काम करते हुए देखा गया है। कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, कई सारे ऐसे फैक्ट चेक कराए, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए एक कहे कि प्रचार का काम करता है। लेकिन अब बड़े पैमाने पे आ चुका है, अब इंडी गठबंधन के लोग जो है वो ऐसे फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि फंडिंग कर रहे हैं, और उसी फंडिंग के सहारे ये अपनी दुकान चला रहा है। एलविश यादव ने जितने भी फैक्ट बताए वो गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ऐसी नहीं कि कहीं कहीं बातें या कहीं से उठा के कोई जोड़ तोड़ के जैसे ध्रुव राठी करता है, ऐसे कुछ नहीं। ओरिजिनल कंटेंट निकाले हैं, ओरिजिनल बातें करी है, और वो लोग का संबंध एलविश यादव ने दिखाया है ध्रुव राठी से, जो कि भारत विरोधी काम करते हैं। और खासकर वो लोग या तो आपको इंडी गठबंधन की किसी पार्टी के समर्थित निकलेंगे, राहुल गांधी के समर्थित निकलेंगे, अरविंद केजरीवाल के समर्थित निकलेंगे, या किसी और के। तो एक तरीके से जितने फैक्ट देखे, और मैं खुद भी जैसे वीडियोस वगैरह देखता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, जो भी फैक्ट्स निकालता हूँ उसमें यही पाया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार विरोधी और नरेंद्र मोदी विरोधी है। मुद्दे चुनावी में जो भी चीज़ होती है वो मुद्दों पे बात होती है, लेकिन ध्रुव राठी एक मुद्दे पे भी बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ एक एक तरफा ही काम करा इसने, जो भी करा, दो तरफा काम नहीं। अगर आप किसी की गलती देखते हैं तो उसकी अच्छाई भी दिखाई जाती है, लेकिन ध्रुव राठी के वीडियो में एक में भी आपको ऐसा नहीं दिखाया जाएगा। जितना ये देश विरोधी है उतना ही सनातन विरोधी भी है। ठीक है, ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा था जिसमें ये जो रामायण है उसको काल्पनिक कह रहा था, लेकिन अभी कुछ जब चुनाव आए तो ये अपने आप को हिंदू धर्म का अनुयायी दिखा रहा था,
कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्यों? सिर्फ जो एक कलेक्टिव व्यूअर्स है उनको कैच करने के लिए। जो लोग इसके वीडियो नहीं भी देखते तो उनको रहता है ना कि अपने आपको दिखाना है कि भैया मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं को सम्मान देता हूँ, हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, ऐसा दिखाने के लिए इनने एक प्रोपोगेंडा टाइप काम किया। लेकिन जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, ठीक, उसमें ये सनातन विरोधी ही निकलेगा। अभी कुछ दिन पहले इसका एक वीडियो आया था जिसमें शिवाजी महाराज का जिक्र किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का। उसमें कम से कम इसने उस वीडियोस में 7 बार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, जिसमें इसने सिर्फ शिवाजी बोला, जो कि एक मराठा होने के नाते, मैं खुद एक मराठा हूँ, लेकिन एक मराठा होने के नाते मुझे उस बात का बड़ा अफसोस भी और बड़ा गुस्सा भी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए, हिंदुओं के लिए भगवान जितने ही कद रखते हैं, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए मुस्लिमों को शिवाजी महाराज का एक संबंधी बना बताने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया था। उस बात को लेके कई लोगों ने उस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन मैंने विरोध किया था, पहले भी किया था और अब भी करता हूँ, ठीक है। तो पूरा चीज़ों का सारांश जब देखा गया तो उसमें 3 से 4 फैक्ट ऐसे हैं जिसमें ध्रुव राठी का पूरा क्राइटेरिया आता है। सबसे पहला, यह बीजेपी विरोधी है जो कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है। दूसरा, सनातन विरोधी है क्योंकि ये अपने अधिकतर वीडियोस में रामायण, श्री राम सभी को काल्पनिक बताने का काम करता रहा है, अभी तक करता रहा है। तीसरा, ये एक वर्ग विशेष को से सहानुभूति लेता है। समझ गए होंगे वर्ग विशेष किसके बारे में बात करूँ, उनकी सहानुभूति लेता है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा व्यूअर जो 80% जनता है जो इसे देखती है वो ये वही लोग हैं, और जो बीजेपी विरोधी और जो हिंदू विरोधी है सबसे ज़्यादा ये उन्हीं को केस करता है। चौथा फैक्ट आ गया कि इसके जो व्यूअर्स हैं, इसने सबसे पहला एक वीडियो बनाया था चुनाव शुरू होते से, मोदी इज अ डिक्टेटर बोले, बताया था कि मोदी जी जो है वो देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में ही कुछ दिन बाद ही है इंडिया आया था, अपने इंडिया गेट के सामने इसने एक वीडियो भी बनाया था। तो इसे साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी अगर डिक्टेटरशिप होता तो ना भाई तू इंडिया आ पाता, ना दिल्ली में खड़ा रह पाता, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का एक क्रिएटर ने एक AI वीडियो बनाया था, वो वीडियो बनाने के बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसी जगह पे नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो उसी व्यक्ति ने बनाया था, तो मोदी जी ने उस चीज़ को एक अच्छे तौर पे लिया था, गलत तौर पे नहीं। तो ममता बनर्जी ने जो किया ना वो डिक्टेटरशिप होती है, मोदी जी ने किया वो डिक्टेटरशिप नहीं होती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जितना भी ध्रुव राठी को, जो लोग ध्रुव राठी को देखते हैं उनके व्यूअर्स के लिए एक ही बात है कि बीजेपी जो है वो राष्ट्र विरोधी लोगों के लिए आंखों में कचरे के समान है, लेकिन जो राष्ट्र को प्यार करता है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, उनके लिए बीजेपी पार्टी जो है वो सर्वोपरि है, ठीक है। तो ध्रुव राठी को जो एलविश यादव ने जो पूरा अच्छे से समझाया है, बहुत बढ़िया समझाया है, मैं खुद भी इंस्पायर हुआ हूँ उस वीडियो से, और सारे फैक्ट ओरिजिनल है, कोई गलत बात नहीं है। अगर मेरी बात अगर आपको ठीक लगे, कुछ अच्छी बात लगे, तो कृपया सहयोग जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगे शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपने भाव जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है वीडियो जरूर बनाने के लिए, तो कृपया उस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।